शिव वाटिका गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एलोवेरा प्लांट के बारे में जानकारी शेयर करने वाली हूँ। ये एलोवेरा घृतकुमारी और ग्वारपाठा के नाम से जाना जाता है। ये मेडिसिनल वैल्यू से भरपूर प्लांट है। ये कम पानी में आसानी से उगने वाला प्लांट है। आज मैं आपको इसके फायदे और इसको कैसे उगाना चाहिए, कैसे प्रोपोगेट करते हैं, इसके बारे में बताऊँगी। ये जो मदर प्लांट है, इस मदर प्लांट ऐसे बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता रहता है। इसके ये आप मेन स्टेम से इसको निकाल करके अलग प्लांट इस तरह से तैयार कर सकती है। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है और कहीं से आपको ये बेबी शूट मिल जाता है तो आप लाकर लगाइए। और ये बहुत इजी टू ग्रो है। जो आप नए नए पौधे लगाना सीख रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है। बस इसमें पानी का ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इनके पत्तों में पानी भरा है, इस वजह से ये पत्तों में पानी भरा हुआ है ना, इस वजह से इसे बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। और इसे सेमी शेड में रखिए आप अच्छी ग्रोथ के लिए, मतलब ज़्यादा तेज धूप ना हो और एकदम छाया में भी नहीं, सेमी शेड में रखना है। मैं आपको अब इसके पत्ते से इसका पल्प निकालना बताऊंगी। ये देखिए मैंने लीफ यहाँ से कट की है ये लीफ, और मैं आपको दिखाऊंगी। आप पहले तो ये कट करके वॉश कर लीजिए स्टेम को, जिसके बाद ये दोनों साइड इसके कट करके बहुत आसानी से निकलता है इसका पल्प। और बीच में से आपको फिर एक कट लगाना है। इस तरह से आप इसका पल्प निकाल कर और इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसके पल्प से आप ये पल्प आप बालों में, इसमें आप कोकोनट ऑयल और ई विटामिन का एक कैप्सूल डाल करके और बालों की जड़ों में लगा लीजिए और फिर हेयर वॉश कर लीजिए। एक बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ का और बालों के लिए टॉनिक है। और आप इसको फेस पैक में डालकर यूज़ कर सकती है स्किन के लिए, स्किन ग्लो करती है आपकी। और इसका जूस निकालने के लिए जो अपन ने पल्प निकाला है अभी, इसको मिक्सर में डाल करके पीस के, और इसके जूस के तो बहुत बहुत फायदे हैं सेहत के लिए। एलोवेरा जूस में आप आंवला जूस मिक्स करके पीजिए तो आपकी एसिडिटी है, शरीर की गर्मी निकालता है, एसिडिटी ख़त्म करता है। इसी तरह की जानकारियों के लिए मैं आपको आगे और भी इसके फायदे बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और शिव वाटिका गार्डनिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।